सीरियल गुम है किसी के प्यार में, जहां रीवा डायलॉग भूल जाती है और सभी सब कुछ संभालती है। वह स्टेज पर आकर ईशान को माला पहना देती है और रीवा देखती रह जाती है, तो वहीं ईशान भी खड़ा रह जाता है और प्ले के बाद सभी वहां से भाग जाती है और इमली उसके पीछे पीछे आती है, जहां इमली कहती है कि तुम्हें ईशान से प्यार हो गया है, पर सभी इस बात से मना करती है। पर इमली उसे समझती है कि तुम सच में ईशान से प्यार करती हो, तो वही सभी सोच में पड़ जाती है। फिर सभी की ताई उसे दिखाई देती है, जहां वह भी सभी को यही समझाती है कि तुम्हें ईशान से प्यार हो गया है और सभी मान लेती है कि उसे ईशान से प्यार हो गया है। इधर बैकस्टेज पर सब खड़े होते हैं, जहां ध्रुवा हमेशा की तरह सभी को बुरा भला बोल रही होती है, पर रीवा कहती है कि वह सच में डायलॉग भूल गई थी और सभी ने उसे बचा लिया। और अन्वी भी सभी की तारीफ करती है, पर रीवा की मोम आकर सभी को उल्टा सीधा बोलती है और ईशान सभी को ढूंढने चला जाता है। इधर चिन्मय को दिखाया जाता है, जो मुंह पर कालिक लगाकर खड़ा होता है, और सभी ईशान के पास आती है, तो वह ईशान सर को देखकर फिर से खो जात सभी ईशान को ही देखती रहती है। इधर स्टूडेंट्स को चिन्मय कमरे में बंद कर दूसरे डांसर को स्टेज पर डांस करने के लिए भेज देता है और रावण बनकर खुद स्टेज पर आ जाता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है, तो वहीं चिन्मय ने रावण के भेष में राव साहब के फेस मास्क लगाए हुए हैं। देखते हैं कि चिन्मय अब आगे क्या करने वाला है। सीरियल की ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।